शुरू करना चाहते हैं अगर रेडीमेड कपड़े का व्यापार तो आइए पटना हर बार। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योरवॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं पहुंच गया हूं जीन्स फैक्ट्री पटना, जहां से आपको क्या मिलने वाला है पूरी जानकारी, पूरा डिटेल सनोज जी से बात करके पता लगेगा। और सनोज जी से हम मिलवाते हैं आपको। सनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका भी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ क्या बनता है और मेरे व्यूवर्स को जो वीडियो देख रहे हैं उनको नया क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उनको क्या मिल सकता है, या कोई लोग पहले से जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या यहाँ पे ऐड ऑन हो सकता है। जी, मेरे यहाँ जींस बनाई जाती है। जींस? जी जी। ओके, जो देख रहे हैं ये जींस, ये यहाँ का, यहाँ बना हुआ, यहाँ पे यहाँ का बना हुआ जींस। अच्छा, ये मशीन लगा हुआ है, इस मशीन के बारे में बताइए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना आपका? जी जी जी। ये क्या है पूरा, थोड़ा सा डिटेल बताइए। ये मशीन जो लगा हुआ है ये कटिंग होता है। अच्छा, कटिंग होता है कपड़ों का? कपड़ा का कटिंग होता है। ठीक है, यहाँ से कटिंग होने के बाद स्टिचिंग पे जाता है, सिलाई। अच्छा, तो स्टिचिंग भी चलते हैं, स्टिचिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टिचिंग होता है। जी जी। ठीक है, और यहाँ से स्टिचिंग होने के बाद, यहाँ से स्टिचिंग। अच्छा, स्टिचिंग होने से पहले मैं पूछना ये चाहूँगा कि एक दो मशीनें खाली हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अब तो समय हो गया, अब शाम का समय है, 5 बजे। तो गाइस, 5 बजे वीडियो बन रहा है और लोग यहाँ पे इनके जो है कुछ लोग शायद छुट्टी हो चुका है जिनका, वो लोग जा चुके हैं। ठीक है जी जी। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग पास का ही हैं, तो ये लोग थोड़ा लेट से निकलेंगे। अच्छा अच्छा, जो लोग दूर के हैं वो लोग पहले ही निकल जाते हैं। तो ये जो कारीगर हैं जो आपके, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कुछ लोग दरभंगा के हैं। हाँ। और ये फुलवारी से भी कहीं हैं। तो मतलब ये लोकल का ही कारीगर रखे हुए हैं आपने? जी, लोकल का ही है। तो ये लोग जींस बनाना, तो जींस तो यहाँ पहले बनता नहीं था, तो ये लोग कैसे मतलब बना रहे हैं? ये लोग को हम लोग दिल्ली से लेके आए हैं। अच्छा, तो पहले लोग दिल्ली में काम करते थे? दिल्ली में थे ये लोग, तो दिल्ली से हम लोग यहाँ पे जब सेटअप डालना था मुझे बिहार में। अच्छा। तो इन लोगों को दिल्ली से लेके आए हैं। रहने वाले बिहार के हैं लेकिन आए हैं सारे दिल्ली से, तो कुशलता में इनकी उम्मीद करता हूँ कि कमी नहीं होगा। तो जींस के क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा, स्टिचिंग में कोई कमी नहीं होगा। और अब इनसे कुछ और जानकारी लेते हैं। अब ये बताइए कि क्वालिटी वाइज आपसे क्यों परचेस करें, आपके पास ऐसा क्या है जो बाकियों से अच्छा है? ताकि दिल्ली से हम लोग यहाँ पे काफी बेस्ट, अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं। क्वालिटी दे रहे हैं दिल्ली से अच्छा ही दे रहे हैं क्वालिटी। और साथ में जो आपके कारीगर हैं ये भी दिल्ली के हैं, तो क्वालिटी वही बना रहे हैं जैसा कि दिल्ली वाले बनाते हैं, उस टाइप का क्वालिटी। लेकिन इनका है कि क्वालिटी के साथ साथ कपड़े का क्वालिटी भी अच्छा दे रहे हैं। कपड़े का क्वालिटी पे काफी हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा जी। और रेट के मामले में बताइए, रेट? रेट तो मेरे यहाँ से 420 से लेकर 550 तक के रेंज में। मतलब जीन्स का रेट जो है 420 से लेकर 550 तक। तो क्वालिटी कैसा होगा? क्वालिटी बहुत अच्छा है। जरा एक बार चाहेंगे कि कलर वगैरह दिखा दें। अच्छा, तो गाइस देखिए यहाँ पे इन्होंने जीन्स का एक सैंपल लगाया हुआ है, तो ये देखिए सारा कलर है, मतलब ब्लू भी है, और मतलब ब्लैक भी है, डार्क ब्लैक भी है, और ओवल कलर भी, मतलब लगभग कलर इनके पास सारे हैं। और क्वालिटी भी बोल रहे हैं कि ये बेस्ट है और बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन्होंने। तो थोड़ा रेट बताइए ना, किस जीन्स का क्या रेट है, कुछ पता लग सकता है? जी जी, बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये जीन्स 520 रुपये की रेंज में, 520 का ये जीन्स है। ठीक है, और ये जो है 420 रुपये की रेंज में है। ये 420 का करीब रेंज में। अच्छा, मिनिमम कितना क्वांटिटी उसको लेना पड़ेगा, जो अगर अपना बिजनेस कर रहा है या कोई नया करना चाहे तो कितना लेना पड़ेगा? देखिए, नया जो करना चाहे, मेरे यहाँ तो एक सेट से भी शुरुआत कर सकते हैं, एक सेट से भी कर सकते हैं। चाहेंगे कि मेरे यहाँ आए तो कम से कम 5-10 सेट ले जाए, ताकि कलर भी बन जाए लोगों को। अच्छा, कलर भी, कुछ कलर भी हमारे यहाँ से ले जाए, ताकि रख के काउंटर पे अपने सेल करके देखे, फिर हमको बताए वो। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और था कि जो लोग पहले से किसी होलसेलर से ले रहे थे वो आपके पास कन्वर्ट होके आएंगे, तो क्यों आए उनसे और आपके रेट में क्या अंतर है? क्योंकि होलसेलर भी बल्क में परचेस कर रहा है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन होलसेलर भी तो कहीं ना कहीं से बल्क में परचेस कर रहा है, तो उसके रेट में और आपके रेट में कितने का डिफरेंस हो सकता है? देखिए, होलसेलर के रेट में ताकि हम लोग बना रहे हैं, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा।
और क्वालिटी भी बढ़िया हम लोग दे रहे हैं, क्वालिटी बढ़िया दे रहे हैं, क्वालिटी तो कुछ अलग ही। अच्छा, आप लोकल में बैठे हुए हैं तो और किस तरीके से आप बेनिफिट दे सकते हैं? क्या अगर कोई आता है आपको डिमांड देता है तो उसके डिमांड के हिसाब से, उसके कपड़े के हिसाब से क्या ऐसा बन सकता है? हाँ, वो भी बना सकते हैं। अगर यदि 150 पीस से ऊपर रहा तो उनके अनुसार हम बना सकते हैं, जैसा मतलब वो जैसा चाहते हैं आप। अगर आपकी क्वांटिटी 150 जीन्स से ज़्यादा की होगी तो आप अपने हिसाब से, अपने कपड़े के हिसाब से, हम मैनेजमेंट से आप बनवा सकते हैं अपना जीन्स। दूसरा एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको लेने के लिए क्या करना होगा? लेने के लिए वैसे तो मेरे पास कॉल करें, व्हाट्सएप पे हमको, हम सैंपल भेज देंगे, ठीक है। और वो अगर यदि आ सके मेरे पास पटना में आने के ये है तो आ सके तो वो आकर ले जाएं। अच्छा। और जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट से भिजवा देंगे। तो गाइस, आप लोगों को बता दूं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पे फैक्ट्री में विजिट जरूर करिए, क्योंकि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या पुराना बिजनेस है तो भी एक बार मिल लेने से क्या होता है कि फेस टू फेस आपको समझ में आ जाता है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कलर और क्वालिटी सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम विजिट कीजिए, नेक्स्ट टाइम में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, दूसरा एक सवाल और था कि अगर कोई नहीं आता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होगा वो किसको बियर करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए हम लोग क्या है ना कि 100 पीस से ऊपर रहे हैं, हाँ? तो हम खुद पे कर देंगे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। अच्छा। और 100 पीस से कम रहता है तो वो कस्टमर दुकानदार लोग को बोले। तो कहाँ कहाँ तक आप दे सकते हैं जींस? वैसे तो पूरे इंडिया में हम लोग देते हैं। अच्छा। क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग है तो ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं पूरे इंडिया में ही। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 पीस ले रहा है और आंध्र प्रदेश में उसको जींस चाहिए आपके यहाँ से, तो क्या जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है, ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा उनको। तो ट्रांसपोर्टेशन फिर भी आप ही देंगे ना, 100 पीस से अगर ज्यादा लेगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हम खुद पे करेंगे। तो गाइस, ये एक पॉइंट है, अगर 100 पीस से ज्यादा अगर आप जींस लेते हैं, इंडिया के किसी कोने में भी हैं, तो इनके पास से जींस ले सकते हैं। रेट भी वाजिब है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर से या रिटेलर से या जहां से आप ले रहे थे उससे उनका रेट भी सस्ता होगा। दूसरा चीज, अगर लोकल है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, इसलिए आपको बेनिफिट है क्योंकि आप लोकल में आके चेक करके ले जा सकते हैं। एक बार लेने के बाद आपको फिर फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ से जो बस स्टैंड है पटना का, टोटल 2 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है उस पटना बस स्टैंड का। तो गाइस, आइए इनके साथ जुड़िए, जींस लीजिए और आप भी लोगों को इसलिए सस्ता दे पाएंगे क्योंकि आप सस्ता खरीद पाएंगे। और मिनिमम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम 6 पीस से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इनके साथ जुड़ सकते हैं। साथ में ये पूछूंगा कि आपको थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। जी, यहाँ पे आने के लिए जी 0 माइल आ जाएं। हाँ। 0 माइल आने के बाद मुझे कॉल कर लें। हाँ। उनको हम एड्रेस बता देंगे क्योंकि 0 माइल यहाँ पे थाना है। हाँ। तो थाना के जस्ट पीछे मेरा ये यूनिट है। अच्छा। थाना के जस्ट पीछे, तो 0 माइल आके मुझे कॉल कर लें, उनको हम एड्रेस बता देंगे। 0 माइल आ जाइए, वहाँ से आने के लिए बहुत ही आसान है, आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, डिस्क्रिप्शन डाला होगा। आप इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उस मोबाइल नंबर पे पहले आप कांटेक्ट कर लीजिए आने से पहले और पूरी जानकारी ले लीजिए क्योंकि आपका आना जाना व्यर्थ ना हो और आप आसानी से इनके साथ जुड़ के अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपका बिजनेस चल रहा है तो उसके अंदर इनके प्रोडक्ट को एड ऑन करके आप अपने मार्जिन को और बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो करते रहिए लाइक, शेयर भी करिए और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।